दोस्तों जो आप ये अभी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो तो ये सबसे आसान तरीका है ऐसी वीडियो बनाने का, और कोई साउंड आपको यूज़ नहीं करना इसमें, आपको ट्रेंडिंग साउंड का यूज़ करना है इंस्टाग्राम पर। तो कैसे बनानी है पूरा वीडियो देखे बिल्कुल ध्यान से। दोस्तों आज की इस वीडियो में शायरी वीडियो आप कैसे बना सकते हो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अलग अलग तरह की आपके शायरी फैक्ट वाली वीडियो बनाना सकाऊंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आपको कौन कौन से ऐप की जरूरत पड़ेगी आप देख सकते हो, ये लाइट मोशन है और ये XML फाइल सपोर्ट करता है। अगर आपके पास XML फाइल सपोर्ट वाला नहीं है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और एक ऐप है दोस्तों पिक्सल लैब, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है, प्ले स्टोर पर आपको लाइट मोशन भी मिल जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें वाटरमार्क आता है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में से ही इसे डाउनलोड करना होगा। अगर आपके फ़ोन में पहले से है तो ठीक है। तो अब आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको शायरी वीडियो बनाने के लिए एक शायरी वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, शायरी की ज़रूरत पड़ेगी, और आप उसमें कौन सा फ़ोटो ऐड करना चाहते हो आपको फ़ोटो ले लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नेट ऑन करना है दोस्तों, नेट ऑन करने के बाद अब आपको आना है अपने गूगल में, गूगल में आ जाने के बाद अब आपको यहाँ ऐसी शायरी चाहिए वो आपको अपने हिसाब से सोचनी है। तो मैं यहाँ पर जैसे ही गूगल ओपन हो जाता है यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ दोस्तों, जो शायरी मुझे चाहिए आप देख सकते हो मैं वो शायरी यहाँ पर लिखूँगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों एटीट्यूड शायरी, यहाँ पर एटीट्यूड शायरी नीचे लिखा हुआ आ चुका है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको क्या काम करना है, इस तरह यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी, तो आपको किसी भी एक वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। तो मुझे सबसे ऊपर आ रही है उस पे क्लिक कर लिया है, यहाँ पर आपको बहुत सारी शायरी मिल जाएगी जो आपको अच्छी लगती है। आपको क्या सर्च करना है, अगर एटीट्यूड वाली चाहिए तो एटीट्यूड शायरी लिख देना है, सैड चाहिए तो सैड शायरी लिख देना है, फिर बहुत सारी शायरी आ जाएगी आप देख सकते हो। अब आपको जो अच्छी शायरी लगती है इंग्लिश में भी लिखी है और हिंदी में भी, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी। तो मैं ये वाली वैसे ही सेलेक्ट, इसको आपको कॉपी कर लेना है दोस्तों जिस तरह मैं कर रहा हूँ, लॉन्ग टैप करके कॉपी यहाँ से कर लेना है। अब आपको क्या करना है, बैग आ जाना है, बैग आ जाने के बाद अब आपको क्या काम करना है दोस्तों, अब आपको एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, जो फ़ोटो आप ऐड करना चाहते हो, फ़ोटो आप अपना भी ऐड कर सकते हो या फिर गूगल से गूगल पे जाके आप फ़ोटो ऐड कर सकते हो। वो कैसे क्या करना है, यहाँ पर एटीट्यूड आपको लिखा हुआ है और इसके आगे आपको लिख देना फ़ोटो या वॉलपेपर, आपको कोई भी यहाँ पर वॉलपेपर लिख दो, अगर सैड है आपका शायरी तो सैड फ़ोटो लिख देना, तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो आ जाएंगे, किसी एक फ़ोटो पर क्लिक कर देना तो दोस्तों आपको उस फ़ोटो को कर लेना है डाउनलोड। तो यहाँ पर ये आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ़ोटो अच्छा लगता है, तो इस पर लॉन्ग टैप करना और डाउनलोड इमेज पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो इस फ़ोटो की हो जाएगी दोस्तों डाउनलोडिंग। आप देख सकते हो फ़ोटो हो चुका है बिल्कुल, यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट, ये फ़ोटो आ चुका है गैलरी में। हम चेक कर लेते हैं दोस्तों गैलरी में आया है या नहीं, आपको कैसे भी करके फ़ोटो को ले आना है गैलरी में। तो यहाँ पर गैलरी में जाने के बाद एल्बम पे आप देख सकते हो फ़ोटो आ चुका है। अब आपको आना है बैक, बैक आने के बाद अब आपको जाना है पिक्सल लैब ऐप में, पिक्सल लैब ऐप में आपको क्या करना है वो मैं आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। इस तरह का आपका पेज खुलेगा, कैंसिल पे क्लिक कर देना, न्यू टेस्ट का ऑप्शन है डिलीट कर देना। अब आपको नीचे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, इस पर टैप करना और यहाँ पर फ्रॉम गैलरी लिखा है, इस पर क्लिक करना और आपको कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है कैसा भी, तो ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, कैसा भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पर 9:16 वाला फ्रेम को करना है सेलेक्ट और राइट वाले चिन्ह पर कर देना है क्लिक, तो आपका फ़ोटो आ जाएगा। फिर आप इधर करोगे तो इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और जिस कलर में आप शायरी लिखना चाहते हो, तो मैं वाइट कलर नीचे सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट वाले चिन्ह पर आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। फिर आपको ऊपर प्लस वाला आइकन है वहाँ पर क्लिक करना और फ्रॉम गैलरी पर आपको जो फ़ोटो डाउनलोड किया था वो फ़ोटो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा फ़ोटो आ चुका है, आप इसका साइज भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसा आपकी मर्जी वैसा आप ले सकते हो। तो मुझे ऐसा ही साइज चाहिए, राइट वाले चिन्ह पर क्लिक कर दिया है दोस्तों, इसको आपको यहाँ से छोटा कर लेना है, यहाँ से आप देख सकते हो इसको अच्छी तरह से आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर टेस्ट का एक ऑप्शन मिलता है ये रहा, और यहाँ पर प्लस का जो आइकन है इस पर क्लिक करना और एडिट वाले ऑप्शन पर, अब आपको यहाँ पर जो आपकी शायरी थी वो आपको पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो चार लाइन में आपकी शायरी है, इसे आपको दो लाइन में कर लेना है। वो कैसे करना है, यहाँ पर जहाँ सेकंड लाइन है दोस्तों इसके शुरू में आपको जाना है और रोंग आपको कट कर देना है, तो ये आपके पीछे चल जाएगी दोस्तों, जो बीच में हमारा कोमा है उसको भी कट करके आपको डैश दे देना है। फिर आपको सबसे नीचे जो लाइन है उस पर उसके बराबर में जाना है और इस तरह कट करना है, जो यहाँ पर कोमा है उसको डिलीट कर देना और स्पेस दे देना है। तो अब हमारी जो शायरी है वो दो लाइन में हो चुकी है, ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है
और इधर एक आइकन मिलता है, इस पर क्लिक करके सारी जो आपकी शायरी है वो दो लाइन में आ जाएगी। अब आपको इसको कर लेना है छोटा, यहाँ से आपको छोटा कर लेना है कुछ इस तरह, यहाँ हम रख लेते हैं। तो अब आपको क्या काम करना है, आप देख सकते हो दोस्तों जो ऊपरले वाली लाइन है और जो नीचे वाली दोस्तों दोनों यहाँ पर मिल नहीं रही। अगर आपको मिलानी है तो फिर डबल टैप करना इस पर और यहाँ पर आपको शुरू में यहाँ पर डैश इस तरह स्पेस दे देना और ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो अब हमारी यहाँ पर शायरी ठीक हो चुकी है दोस्तों, अच्छी लग रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर ऐड कर देना है, इसका फॉन्ट आपको यहाँ पर बड़ा कर देना है। यहाँ पर फॉन्ट में जाना है, कोई भी आपको फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना जो आपको अच्छा लगता है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसका आपको कलर चेंज कर देना है। यहाँ पर कलर पे जाना है, जो कलर अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आप देख सकते जितना यहाँ पर सिलेक्ट है उसका ही कलर बदलेगा। जैसे कि यहाँ पर बदमाश लिखा है दोस्तों, मुझे बदमाश को सिलेक्ट कर लिया। अब आप इस तरह दूसरा कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो मैं ये कर लेता हूँ। अब आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है ऊपर दोस्तों, ऊपर नहीं करना है, यहाँ पर टेस्ट का जो आइकन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर। अब आपकी जो आईडी का नाम है वो आपको यहाँ पर दे देना है VN, मैं अपनी आईडी का नाम दे देता हूँ, आपको अपनी आईडी का नाम यहाँ पर दे देना है दोस्तों। तो ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना तो आपको जो ये आईडी है वो आपको यहाँ पर रख देनी है कुछ इस तरह, और इसका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से मेरा दोस्तों, कोई भी फॉन्ट जो आपको अच्छा लगता है, और जो इसका कलर है ब्लैक कर लेना बिल्कुल अगर आप करना चाहते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी दोस्तों। तो मुझे ब्लैक कर लिया। अब आपको जो फ़ोटो है उस पर टैप करना है, फ़ोटो पर टैप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इस पर टैप करना तो फ़ोटो पे आप इफेक्ट लगा सकते हो, कोई भी 3D शेप आप ला सकते हो फ़ोटो में। आप देख सकते हो कुछ इस तरह की दोस्तों, आपको अभी नहीं दिखेगी तो राइट वाले चिन्ह पर क्लिक कर देना। यहाँ पर शैडो भी आप ला सकते हो कुछ इस तरह की, और यहाँ से आप इसका जो शैडो है वो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, शैडो हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को ऑन कर देना। आपको कैसे अच्छी लगेगी वो बता देता हूँ, कलर सेलेक्ट कर लेना और भाई आप देख सकते हो यहाँ पर बराबर में शैडो आ चुकी है। जितना आपकी मर्जी उतना आप यहाँ से कर सकते हो, नीचे की ओर या ऊपर की ओर। तो हम इतना ही कर लेते हैं, सभी चीज़ को इस तरह करके देख लेते हैं आप क्या अच्छा लगता है फ़ोटो में क्या होता है दोस्तों, आपको अपने हिसाब से कर लेनी है। राइट वाले चिन्ह पर क्लिक कर दिया है। अब आपको हमारा जो ये फ़ोटो आपको सेव कर लेना है, ऊपर 3 डॉट है वहाँ पर क्लिक करना है एक्सपोर्ट इमेज पे। तो अब आपकी सारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। अब आपको लाइट मोशन में क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब आपको लाइट मोशन में आ जाना है, बैक आ जाना है, जो लाइट मोशन है उसके अंदर जाना है दोस्तों। इसमें सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल इफेक्ट बताना ही वाला हूँ कि आपको सिंपल इफेक्ट कैसे लगाना है, और बाकी की एडिट आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल को डेली आती रहेगी। स्किप के पे आपको क्लिक कर लेना है, लाइट मोशन मुझे अभी डाउनलोड किया है दोस्तों। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना और ये 9 पॉइंट्स वाला फ्रेम क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना दोस्तों, और प्लस वाले आइकन पर और मीडिया पर जो फ़ोटो आपने वहाँ से सेव किया है दोस्तों वो फ़ोटो आपको यहाँ पर आ जाएगा। वो आपको देख लेना है कहाँ पर आया है, तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ फ़ोटो कहाँ पर आया, तो आपको भी देख लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो आपका फोल्डर खुला है उस पर क्लिक कर लेना है। अब आपका जहाँ पर अगर आप सारे फ़ोटो देखना चाहते हो तो हाल पर क्लिक कर लेना, तो मुझे पिक्सल लैब के फ़ोटो में चेक करना है तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। पिक्सल लैब के फ़ोटो आ चुके हैं, आप देख सकते हो जो फ़ोटो सेलेक्ट किया था वो ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आपका फ़ोटो ऐड हो चुका है। अब आपको क्या काम करना है, जितना साइज़ आपको उसका करना है, यहाँ पर स्पीड पर क्लिक करके, तो यहाँ पर आप स्पीड को बिल्कुल कम कर देना। अभी इसका साइज़ आप देख सकते हो यहाँ पर जितना सेकंड की आपको रखनी है, तो मैं 12 सेकंड तक रखूँगा, और इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कट कर देना बाकी का पार्ट। अब आपको शुरू में आ जाना है और फ़ोटो पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इफेक्ट के ऑप्शन पर ऐड इफेक्ट पर, और आपको ऊपर जो सर्च वाला आइकन है वहाँ पर क्लिक करना, और यहाँ पर आपको लिखना है पेज। पेज लिखोगे तो ये वाला इफेक्ट आ जाएगा, इस पर सेलेक्ट कर लेना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो जो ऊपर ले वाला है ये वाला दोस्तों, इसको आपको सबसे पहले यहाँ पर कर लेना, आप देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है की फ्रेम पर, यहाँ पर क्लिक इस पर क्लिक करना है। क्लिक हो चुका है दोस्तों। अब आप देख सकते हो कितने सेकंड पर आपका पेज खुलना चाहिए, आप देख सकते हो। तो मैं 4 सेकंड पे कर लेता हूँ, और फिर बाद में आपको इसको पेज को पूरा का पूरा खोल देना है कुछ इस तरह। अब आपकी वीडियो में इफेक्ट लग चुका है दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल इफेक्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और भी इफेक्ट के लिए आपको बताऊँगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।
अब आपको वीडियो को कर लेना है गैलरी में सेव। कैसे करना है, ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है और एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर, तो वीडियो आ जाएगी गैलरी में। दोस्तों ये सबसे बिल्कुल सिंपल तरीका था, और भी तरीके आएंगे, आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।